हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलन केरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम से अगर आपको ऑफलाइन प्रोग्राम में कन्वर्ट होना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो उस प्रोसीजर को काफी अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें हर स्टेप आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो आप काफी बड़ी गलती कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलता है सारा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, क्योंकि एलन रेजोनेंस, आकाश और फिजीएसी इंस्टीट्यूट का मुझे एक्सपीरियंस है और वहाँ का काफी अच्छा मुझे नॉलेज भी है, तो उस वजह से मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर कर पाता हूँ और यहाँ पे आपको सारा जेन्युइन कंटेंट ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से कोचिंग्स की जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर आ जाना है गूगल में, जहाँ पर हमें URL में डाल देना है ln.ac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जिस सेंटर पे भी आपको ऑफलाइन के लिए एडमिशन लेना है उस सेंटर को पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मुंबई सेंटर के लिए एडमिशन प्रोसेस करवाना है ऑफलाइन के लिए, तो हमें मुंबई सेंटर सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेंटर स्पेसिफिक रहती है, इसलिए हमें सेंटर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको चले जाना है एडमिशन मोड में, और एडमिशन में आपको चले जाना है यहाँ पर रिफंड रूल में, राइट। तो यहाँ पर इसकी एक टैब अलग से हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये टैब हम लोग ने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ प्री मेडिकल, जेई मेन एडवांस और जेई मेन, और यहाँ पर है प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन, मतलब ये 6th to 10th क्लास के लिए है PNCF, और ये जो ऊपर वाला है वो सीनियर डिवीज़न यानी कि 11th 12th और ड्रॉपर बैच जो लीडर बैच कहा जाता है उसके लिए यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे चार्जेस आपको कैसे एप्लीकेबल होंगे वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। उसके पहले हम लोग यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन का और ऑफलाइन दोनों का। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग कोर्सेज में चले जाएंगे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं मेडिकल का, राइट। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कोर्स ओपन करेंगे ऑनलाइन वाला, और एक कोर्स 11th क्लास का ओपन करेंगे ऑफलाइन वाला। दोनों के हम लोग 11th क्लास के कोर्सेज ले रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जैसे ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र के कोर्स के बारे में क्लास 11th, राइट, प्री मेडिकल का, इसका ऑनलाइन क्लास का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। इसकी जो फीस है 89,999 रुपीज़, मतलब 90,000 के करीब इसकी फ़ीस है ऑनलाइन क्लास की। और इसी के सामने अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास की जो फीस देख रहे हैं वो है तकरीबन 1,90,000, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 1,00,000 का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना रहेगा, किसके बेसिस पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका ऑनलाइन से अगर आपको ऑफलाइन में कन्वर्ट होना है तो आपको ये कोर्स का जो चेंजेस का जो फॉर्मेट है आपको इसे फॉलो करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन है अप टू 15 डेज, फिर यहाँ पे मेंशन है 16 to 30 डेज, एंड यहाँ पर मेंशन है 31 to 45 डेज। तब यहाँ पर ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स कमेंसमेंट से यहाँ पर डेट काउंट की गई है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम क्लास कमेंसमेंट डेट, तो यहाँ पर जो डेट्स डेज लिखे हैं वो यहाँ पर चार्जेस लिखे कि जब आपकी बैच स्टार्ट हुई थी तो उससे अगर 15 दिन के अंदर अगर आप कोर्स चेंज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,500 रुपये का चार्ज लगेगा। आपकी बैच स्टार्ट हुई थी तब से लेकर के अगर आप 16 से 30 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6,000 रुपये का चार्ज लगेगा। आपके कोर्स स्टार्ट होने से अगर आप 31 से 45 या उससे ज़्यादा दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10,000 रुपये का आपका चार्ज लगेगा कोर्स चेंज करने का, ठीक है। तो ये चार्ज आपको कोर्स चेंज का एक तो पे करना रहेगा, उसके अलावा यहाँ पर जो अमाउंट है ऑनलाइन फीस और ऑफलाइन फीस का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना रहेगा, समझे आप। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि जो कोर्स चेंज का अमाउंट है वो आपको पे करना रहेगा जो भी यहाँ पर आपको एप्लीकेबल होगा बैच कमेंसमेंट के डेट के हिसाब से। और उसके बाद जैसे कि आपने ऑनलाइन की फीस 90,000 रुपये पे की है, तो अगर आपको उसी सेंटर पर जैसे कि मुंबई में ही आपको लेना है एडमिशन, जैसे मैं आपको ऊपर बता देता हूँ मुंबई महाराष्ट्र का ये है फीस स्ट्रक्चर, और आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो इसका जो फीस अमाउंट है उसका डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जो आपने ऑनलाइन पेमेंट में आपने पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन में दो चीज़ बता देता हूँ
आपको एक तो कोर्स चेंज का अमाउंट पे करना है और दूसरा आपको अमाउंट पे करना है डिफरेंस अमाउंट में। तो इस अमाउंट को आपको पे करने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको जिस भी सेंटर के लिए आपको कोर्स चेंज करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका सेंटर सिलेक्ट आपको कर लेना है। ऑलमोस्ट आपको हर सेंटर के लिए यही सेम प्रोसीजर मिलेगा, लेकिन हम लोग कोटा के लिए अगर हम लोग देखने जाए तो कोटा में अभी मुझे अपडेट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए अगर आपको कोटा के लिए करना है तो एक बार मैं आपको कोटा का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हेल्पलाइन पर एक बार गाइडेंस वहाँ से ले लेना कि अभी वहाँ का क्या अपडेट है। जैसे एडमिशन बोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर रिफंड रूल में जाते हैं, तो कोटा में मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है सीनियर डिविजन का कोर्स चेंज का और जो फीस का जो चेंजेस है अपडेट यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर किस वजह से अपडेट नहीं है वो मुझे अभी पता नहीं लगा है। तो इसका हेल्पलाइन नंबर मैं कोटा का आपको मुझे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार गाइडलाइंस कोटा से ले लेना अगर आप कोटा से किसी और सेंटर पे या फिर कोटा से ही ऑनलाइन से ऑफलाइन में अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करना रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे सेंटर के लिए आपको सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है, फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कोटा में थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिएगा कॉल करके। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाऊं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।